मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डी एमडी कॉलेज। जो मेरा लेक्चर है, लेक्चर नीचे थर्डी के लिए, सब्जेक्ट का नाम है जावा प्रोग्रामिंग या डायनामिक वेब डिजाइनिंग। हम इसमें बात करेंगे, अभी पिछले लेक्चर में बात करी थी जेडीबीसी एपीआई की, जेडीबीसी ड्राइवर्स की। अब हम इसमें सीखेंगे कैसे हम जावा के प्रोग्राम को कनेक्ट करेंगे विद जेडीबीसी, राइट। तो बिफोर एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड योर जावा प्रोग्राम एंड बैकएंड डेटाबेस, वी शुड लर्न व्हाट अबाउट जेडीबीसी। अब जेडीबीसी के बारे में पीछे पढ़ता आया है, जेडीबीसी की उपयोगिता, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये क्या है जेडीबीसी, एक जावा के अंदर जेडीबीसी एपीआई है, एपीआई क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। एपीआई का मतलब होता है प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। इट इज एन एडवांसमेंट फॉर ओडीबीसी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। जेडीबीसी इज एन स्टैंडर्ड एपीआई, दिस एपीआई कंसिस्ट्स ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस रिटन इन जावा। It is basically act as an interface or medium between your Java program and database. ये आपके जल्दी से क्या यूज हो रही है, क्या करने के लिए, जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, एक इंटरफेस का एक मीडियम का काम कर रही है जेडीबीसी और जावा के प्रोग्राम के बीच में। जेडीबीसी के जेडीबीसी इज एन एडवांसमेंट है ओडीबीसी का। ओडीबीसी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लॉट ऑफ ड्रॉबैक ओडीबीसी के अंदर एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। ओडीबीसी एपीआई जो थी वो सी और सी प्लस प्लस पाइथन और जावा एंड अरडुइनो अबाउट लैंग्वेज, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। देयरफॉर टू रिमूव डिपेंडेंसी जेडीबीसी वाज द फाइल डेटाबेस वेंडर व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस रिटन इन जावा। ओडीबीसी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीबीसी से पहले ओडीबीसी यूज होती थी, लेकिन ओडीबीसी क्या थी, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी कम करने के लिए जेडीबीसी बनाई गई। तो ओडीबीसी के बाद जेडीबीसी आई। जेडीबीसी जो है वो डेवलप करी डेटाबेस वेंडर ने, जो कंसिस्ट करती है क्लासेस और इंटरफेसेस जो डिपेंड हुए किसमें, जावा के अंदर, राइट। अब हम स्टेप्स की बात करेंगे, क्या क्या स्टेप हमें लेने पड़ेंगे क्या करने के लिए, जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। तो पहला स्टेप है लोडिंग द ड्राइवर। टू बिगिन विद योर फर्स्ट नीड, लोड द ड्राइवर या रजिस्टर इट बिफोर यूजिंग इट इन प्रोग्राम। अगर हमें किसी भी डेटाबेस को यूज करना है तो सबसे पहले उस डेटाबेस को हमें लोड करना पड़ेगा ड्राइवर मैनेजर क्लास में, यानी कि हर डेटाबेस का क्या होगा, एक ड्राइवर होगा, उस ड्राइवर क्लास को ड्राइवर मैनेजर को देना पड़ेगा। देखो, रजिस्ट्रेशन इज टू बी डन वंस इन प्रोग्राम, यू कैन रजिस्टर अ ड्राइवर इन वन ऑफ टू मेंशन लो। यहां पर आपको ये तरीका दिया गया है, तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो ड्राइवर है उसको रजिस्टर कर सकते हैं जावा के प्रोग्राम के साथ। कैसे, यहाँ पर आपको क्लास डॉट फोन नेम, क्लास की क्लास नाम की क्लास है, उसके अंदर फोन नेम नाम का मेथड है। हियर वी लोड द ड्राइवर क्लास फाइल इनटू मेमोरी एट रन टाइम, यहाँ पर हम ड्राइवर क्लास का नाम डाल देंगे और वो लोड हो जाएगी मेमोरी में। नॉट नीड यूजिंग ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट, द फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस, आप इस तरह यूज कर सकते हो, क्लास डॉट फोन नेम आपने डाल दिया, ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर और ओरेकल ड्राइवर, यहाँ पर ड्राइवर क्लास है इसका ओरेकल का। तो ये यहाँ पर ओरेकल जो डेटाबेस है वो ये ड्राइवर का नाम है और आपने इस क्लास और फोन नेम डाले थे, रजिस्टर्ड हो गया। इसके बाद ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर्ड ड्राइवर, ड्राइवर मैनेजर इज जावा क्लास व्हिच स्टैटिक मेंबर रजिस्टर, ये भी कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइवर क्लास, या आप इस ये तरीका यूज कर सकते हो, ड्राइवर मैनेजर क्लास के अंदर जो रजिस्टर्ड ड्राइवर मेथड है उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट बना के डाल दिया ओरेकल डॉट जेडीबीसी ओरेकल ड्राइवर का, ये दूसरा तरीका। दोनों में से आप कोई सा तरीका यूज कर सकते हो, या तो आप क्लास और फोन नेम का यूज करो, ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर्ड ड्राइवर का यूज करो। ये वाली क्लास ड्राइवर मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट देगी, ये वाली क्लास जैसे आप इसका यूज करोगे मैनेजर का, ये ड्राइवर मैनेजर क्लास का आपका ऑब्जेक्ट रन करा देगी। इसके बाद हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे, पहला होगा लोड द ड्राइवर, दूसरा है क्रिएट द कनेक्शन। आफ्टर लोडिंग द ड्राइवर एस्टैब्लिश कनेक्शन, तो आपको आपने यहां पर यूज करा पहला स्टेप, क्लास नाम का ही क्लास है, इसके अंदर मेथड है फोन नेम, आपने इसके अंदर डाल दिया ड्राइवर का नाम, ड्राइवर है ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर। जैसे ही मैथड चलेगा, ये मैथड रन करेगा,
ड्राइवर मैनेजर क्लास का ऑप्शन, ठीक है, उसे आप ड्राइवर मैनेजर रेफर करेंगे अगर आप शोर करते हो। अब ड्राइवर मैनेजर क्लास के अंदर ही आपको एक मेथड दिया गया है जिसका नाम है गेट कनेक्शन। तो आप यहां से करोगे डीएम डॉट गेट कनेक्शन और इसके अंदर आप दो चीज डालोगे, एक तो यूआरएल, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। ये दो चीजें डालोगे, ये क्या क्या है, यूजर नेम फ्रॉम विच योर एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट कैन बी एक्सेस, पासवर्ड फ्रॉम विच योर एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट कैन बी एक्सेस, यूजर नेम और पासवर्ड जो होगा वो आपके जो डेटाबेस आप यूज कर रहे हो उसका यूजर नेम और पासवर्ड होगा। कोर, कोर इज द रेफरेंस ऑफ कनेक्शन इंटरफेस, यहां पर यूआरएल क्या होगा, कोर जो ये कोर है ये मेथड जो है ये मेथड फिर रिटर्न करेगा कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। इसे आपने इस कोर के एट्रिब्यूट में स्टोर कर लिया। और यूआरएल क्या है, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स रिपोर्ट, यूआरएल ये है यूआरएल यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स प्रोटोकॉल, इट कैन बी रीड एज फॉलो, यहां पर ये इसकी क्लास का नाम है गेट इसी कोर को लेकर कोर की एडर लोकल और इंप्रूवमेंट टू एसआई, ये यूआरएल यहां पर रहेगा इसके लिए और इधर लेकर इसके लिए ये यूआरएल सारे डेटाबेस के लिए अलग अलग है, ये किसके लिए है ओरेकल के लिए। ये तो ड्राइवर क्लास का नाम है यानी ड्राइवर का नाम है अगर आप ओरेकल का रिसिपिएंट हो गए और ये उसका यूआरएल है जब आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करोगे, तो आप ये डाल के तुरंत ही आपका ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर ओरेकल क्या है, डेटाबेस यूज थ्री इज द ड्राइवर यूज एट द रेट लोकल होस्ट इज द आईपी एड्रेस वेयर डेटाबेस इज स्टोर्ड 1521 इज द पोर्ट नंबर एंड एक्स इज द सर्विस। तो इस तरह से आपका कनेक्शन चालू हो जाएगा, इस तरह आपको कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देगा। इसके बाद तीसरा स्टेप है क्रिएट अ स्टेटमेंट, जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया डेटाबेस के साथ तो हमें एसक्यूएल क्वेरी चलानी है, एसक्यूएल क्वेरी चलाने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जो ये कनेक्शन नाम का कनेक्शन इंटरफेस का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसी के अंदर मेथड दिया है क्रिएट स्टेटमेंट, उसी के अंदर मेथड दिया है क्रिएट स्टेटमेंट। जैसे ही आप क्रिएट स्टेटमेंट मेथड कॉल करोगे ये तुरंत आपको स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगा। वंस अ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड यू कैन इंटर विद द डेटाबेस, द जीडीबीसी स्टेटमेंट इंटरफेस डिफाइन द मेथड, यहां पर आप इसका यूज करोगे। तो ये जो मेथड आपको मिला है कौन, इसके अंदर ही मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट, आप इस क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को कॉल कर दोगे और ये आपको ऑब्जेक्ट में मिलेगा स्टेटमेंट इंटरफेस का। इस तरह से आपको स्टेटमेंट का स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद फोर्थ स्टेप है एग्जीक्यूट द क्वेरी, आपको क्वेरी चलानी है यानी एसक्यूएल क्वेरी चलानी है। नाउ कम द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी को चलाने के लिए आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। वो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड है जिसका स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर दिया गया है एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड, और स्टेटमेंट इंटरफेस इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट क्वेरी ऑफ रिलेटिव वैल्यू फ्रॉम द डेटाबेस, दिस मेथड रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजल्ट सेट, ये मेथड जो रिटर्न करता है रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड टू गेट ऑल द रिपोर्ट ऑफ अ टेबल। अगर आपको डेटा फेच कर रहे हो तो सारा सारा डेटा रिजल्ट इंटरफेस के अंदर आपके स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर आप इसका लिंक होगी, आपने सफल कोई भी क्वेरी बना ली एसपी डॉट मेथड यूज करा आपने एग्जीक्यूट अपडेट और इसके अंदर आपने क्वेरी डाल दी, सपोज आपने डाल दिया सिलेक्ट स्टार टॉप ई एन जी, इस क्वेरी में आप क्या कर रहे हो ई एन जी नाम के लिए सारा का सारा डेटा फेच कर रहे हो। तो ये सारा का सारा डेटा जो है ये रिटर्न करेगा किसके अंदर, रिजल्ट सेट इंटरफेस के अंदर, सारा डेटा रिजल्ट सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्लोज, क्लोज कनेक्शन को करेंगे क्लोज मेथड यूज करेंगे, क्लोज मेथड यूज करेंगे डेटा हमारा क्या करेगा कनेक्शन हमारा क्लोज हो जाएगा। यहां पर एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड ऑफ स्टेटमेंट इंटरफेस इज यूज टू एग्जीक्यूट क्वेरी और रिट्रीव वैल्यू फ्रॉम द डेटाबेस, दिस मेथड रिटर्न करता है रिजल्ट सेट। अब यहां पर एक मेथड हो रहा है एग्जीक्यूट अपडेट, यहां पर एसक्यूएल क्वेरी चलती है
is equal to area of updating insert. चलिए यहाँ पे चलाया मैंने एलजीबी अपडेट यहाँ पे सेंड करी चला दी. यहाँ पे वैल्यू चेक करिए अगर ये वन है तो डेटा क्या हो गया इंसर्ट हो गया अदरवाइज इंसर्शन फेल. तो इस तरह से हमारे ये स्टेप है इन स्टेप का यूज करके हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं. तो कौन कौन से स्टेप हो गए पहला हो गया लोड ड्राइवर दूसरा हो गया क्रिएट कनेक्शन तीसरा हो गया कम्युनिकेट विद डेटाबेस और चौथा हो गया एग्जीक्यूटिंग एसक्यूएल क्वेरी और पांचवा हो गया क्लोज डेटाबेस. तो ये पांच स्टेप होंगे जिनका हम यूज करेंगे. तो यहां पर जो बेसिक चीज है वो ये देखने वाली है हो गया. आपको डेटाबेस में जो टेबल्स हैं उसमें आप क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है बिना एसक्यूएल की
क्वेरी एग्जीक्यूट करा या डेटाबेस के साथ इंसर्ट डिलीट अपडेट वगैरह कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें चाहिए स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट का किसका ऑब्जेक्ट, तो कनेक्शन क्लास के अंदर में अगर क्रिएट स्टेटमेंट ये आपको रिटर्न करेगा स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा क्वेरी का जो आपने क्वेरी चलाई वो रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट सेव होगा, रिट्रीव होगा रिजल्ट सेट नाम के इंटरफेस के अंदर। और इसके बाद डेटाबेस को क्लोज करने के लिए हम यूज करेंगे सिंपल क्लोज मेथड। हमारा क्लोज मेथड यूज होगा क्या करने के लिए, डेटाबेस को क्लोज करने के लिए। तो ये स्टेप है इनकी वजह से हम डेटाबेस एक्टिविटी करते हैं। ये क्वेश्चन होता था हाउ वी कैन कनेक्ट जावा डेटाबेस, जावा डेटाबेस हम कैसे कनेक्ट करते हैं, तो आपके सारे चीज लिखे हैं सब लिखे आपके पूरे नंबर लिखे हैं। व्हाट इज डीबीसी, हाउ वी कनेक्ट डीबीसी, ये क्वेश्चन आता है। व्हाट आर डीबीसी ड्राइवर, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आता। एक क्वेश्चन आता है जीडीबीसी पूलिंग, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम आएगा, पूरा भी आएगा किसी ना किसी तरीके से किसी न किसी फॉर्म में आए, बॉडी जेडीबीसी आए या बॉडी जेडीबीसी ड्राइवर आए या हाउ वी कनेक्ट जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस आए, राइट द स्टेप टू कनेक्ट विद जावा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ जेडीबीसी ऐसे आए, तो आपके सारे चीजें लिखे आएंगे। ओके,